तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कढ़ी की एकदम जबरदस्त रेसिपी। आमतौर पर आपने पंजाबी कढ़ी, कढ़ी पकौड़ा तो बनाकर खा ही होगा, पर आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ सिंधी कढ़ी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने बहुत ही टेस्ट लगती है। तो चलिए इसको कैसे बनाना है उसको आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल, और जब तेल गर्म हो जाएगा फिर इसमें डालेंगे कुछ सब्जियाँ जैसे ग्वारफली, सहजन और भिंडी, और इसी के साथ इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब आपको क्या करना है, मीडियम फ्लेम पे सब्जियों को 4 से 5 मिनट चलाते हुए फ्राई कर लेना है। और ये देखिए हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब आप क्या करें, गैस की फ्लेम को ऑफ करें और इसके बाद एक बर्तन लें और बर्तन में इन सब्जियों को निकाल लें। काफी लोग सब्जियों को कढ़ी में डायरेक्ट डाल के पका लेते हैं, पर हमने यहाँ पर ऐसा नहीं किया, हमने सब्जियों को फ्राई कर लिया है। तो इससे क्या है कि जो उसका टेस्ट है ना वो बहुत ही इनहेंस हो जाता है। तो आप भी सब्जियों को फ्राई करके ही कढ़ी में डालिएगा। तो ये लीजिए हमने सब्जियों को प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी बचे हुए तेल में हम फ्राई करेंगे बैगन को। तो सबसे पहले आप गैस को ऑन कर लें, और यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 मीडियम साइज बैगन, उसको हमने चॉप करके रखा हुआ था। तो मीडियम फ्लेम पर आप बैगन को 4 से 5 मिनट चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लें। और ये लीजिए हमारा बैगन भी फ्राई हो चुका है। तो अब क्या करें, गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। अब बैगन को भी आप सब्जी वाले प्लेट में इसको निकाल लें। तो ये लीजिए हमारी सब्जी फ्राई होकर रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं कढ़ी बनाने के प्रोसेस में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं साइड में, और सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन, और उस बर्तन में डालेंगे हम 4 से 5 बड़े चम्मच तेल, और जब आपका तेल गर्म हो जाए फिर उसके बाद उसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच अजवाइन, साथ में 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा, और साथ में डालेंगे हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और इसके अलावा इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हरी मिर्च और 1 पिंच हींग। अब आपको क्या करना है, इसको कुछ सेकंड के लिए आपको सौते करना है, और सौते करने के बाद फिर इसमें डालेंगे हम बेसन। तो यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 कप के करीब बेसन। तो बेसन को आप इसमें डाल दें और मीडियम फ्लेम पे आप बेसन को चलाते हुए अच्छे से भुने। बेसन को आप चलाते हुए 4 से 5 मिनट आपको लगेगा मुश्किल से इसको भुनने में, और जैसे ही बेसन से अच्छे से खुशबू आना चालू हो जाए इसका मतलब आपका बेसन अच्छे से भुन गया है। और जब आपका बेसन भुन जाएगा फिर इसमें हम डालेंगे पानी। तो हम यहाँ पर डाल रहे हैं 2 लीटर के करीब पानी। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं कढ़ी में, कढ़ी थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है। तो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं 2 लीटर के करीब पानी, और पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले जैसे कि 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के करीब इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, और साथ में डालेंगे 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, और साथ में डालेंगे इसमें स्वादानुसार नमक, और इसके अलावा इसमें हम डाल देंगे हमारी फ्राई की हुई सब्जियाँ, और इसके साथ इसमें हम डाल रहे हैं आलू। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज आलू को काट के रखा हुआ था, तो इसमें आप आलू को डाल दें। और अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से मिला लेना है, और मिला लेने के बाद अब आप मीडियम फ्लेम पे इसको ढककर 20 से 25 मिनट इसको आराम से पकाइए, बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा। और 25 मिनट हो चुके हैं कढ़ी को पकाते हुए, और ये देखिए कढ़ी में अच्छा से उबाल भी आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कढ़ी में खटास कैसे आएगी, क्योंकि हमने ना इसमें दही का इस्तेमाल किया है ना इसमें हमने मट्ठा का इस्तेमाल किया है। तो सिंधी कढ़ी में क्या होता है, दही और मट्ठा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। तो खटास के लिए इसमें हम डाल रहे हैं टमाटर का प्यूरी। तो यहाँ हमने 3 मीडियम साइज टमाटर का प्यूरी बनाकर रखा हुआ था, तो इसको आप इसमें डाल दें और इसको अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट कंटिन्यू रखकर और पकाएंगे, जिससे कि जो हमारा टमाटर अच्छे से पक जाए। और 10 मिनट हो चुके हैं कढ़ी पकाते हुए। अब कढ़ी हमारी पक चुकी है फाइनली। तो लास्ट में इसमें डालेंगे हम 4 से 5 बड़े चम्मच इमली का रस। तो इससे जो है ना कढ़ी में जो खटास है वो अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। तो ये लीजिए कढ़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सब्जी हमने ऑलरेडी फ्राई किया हुआ था, तो उसको चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए हम थोड़ा सा आलू चुको चेक कर लेते हैं कि आलू हमारा पका है कि नहीं। तो आप आलू को चेक कर लें, और ये लीजिए हमारा आलू भी अच्छे से पक गया है। इसका मतलब हमारी कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ परोसे और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपनों के साथ भी शेयर करें जिससे वो भी इस टेस्टी सिंधी कढ़ी को घर पे आसानी से बना सके और इन्जॉय कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।